कम शाइनिंग फॉर्म में पाए जाते हैं और उनसे कोई भी ऑर्नामेंट्स यानी कोई ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। दे हैव डल एप्रीसियंस एंड कैन नॉट बी पॉलिश, और इनके ऊपर कोई पॉलिश भी नहीं होती। एक्सेप्शन है कि आयोडीन और ग्रेफाइट शो द लिस्टर, उनमें थोड़ी सी मतलब शाइनिंग होती है, जैसे नमक को देखा है ना, उसमें थोड़ी शाइनिंग आती है क्योंकि उसके क्रिस्टल ऐसे होते हैं, उन किसकी वजह से, वो कार्बन की वजह से। ग्रेफाइट में भी हार्डनेस, मेटल जितनी भी मोस्टली मेटल हैं वो सारी हार्ड होती हैं, ठीक है। एग्जांपल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितनी भी धातु हैं वो सारी कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। दे कैन ईजीली बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। जनरली नॉन मेटल आर सॉफ्ट, जितनी भी आपकी नॉन मेटल होती है वो सॉफ्ट ही होती हैं। एक्सेप्शन है बस डायमंड का, क्योंकि डायमंड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं डेंसिटी, घनत्व। मोस्ट मेटल हैव हाईली डेंसिटी, जितनी भी आपकी धातु हैं उनमें क्या होती है, ज़्यादा घनत्व होता है। ओनली सोडियम एंड पोटेशियम हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में कम होती है क्या घनत्व, वाटर की कंपैरिजन में कम होता है। ऑल अदर मेटल्स आर डेंसर देन वाटर, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी मेटल हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सब पानी से ज़्यादा घनत्व रखती हैं। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। नॉन मेटल में मेटल के कंपैरिजन में लो डेंसिटी होती है। कलर, बात करते कलर की, मोस्ट मेटल आर वाइट और सिल्वर ग्रे इन कलर, मतलब सफ़ेद होती हैं या फिर भूरे स्लेटी रंग की होती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है गोल्ड इज़ येलो और कॉपर रेडिश इन ब्राउन इन कलर। गोल्ड येलो कलर का होता है, दिखता है ना हमें येलो येलो, जितनी भी ज्वेलरी गोल्ड की होती है। कॉपर कैसा होता है, ब्राउन रेड कलर का होता है, जितनी भी वायर बनती है इलेक्ट्रिक वायर उनमें कॉपर का यूज़ किया जाता है, आपने देखा है। लाल रंग का होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्रीन हो जाता है, ठीक है। सम नॉन मेटल आर कलरफुल, कुछ नॉन मेटल कलरफुल होते हैं। वेयर एज सम एंड नॉन आर नॉन कलर्ड, यानी कुछ नॉन कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन इज़ ब्राउन इन कलर, लिक्विड आयोडीन इज़ वॉलेट, यानी ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। आयोडीन वॉलेट कलर की होती है, बैंगनी रंग की होती है सॉलिड फॉर्म में। नाइट्रोजन कैसी होती है, ऑक्सीजन कलरलेस गैस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जितनी भी गैसेज होती है वो कलरलेस होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।